शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे तरंग, अरे तरंग साहब, मुबारक हो जी, मुबारक हो जी। राकेश भाई, आप सब लोग यहाँ? मुबारक हो। इन लोगों को मैंने ही खबर दी थी तुम्हारे डिस्चार्ज होने की। ये लोग पहले भी 3-4 बार आ चुके हैं, लेकिन मैंने नहीं मिलने दिया। आई एम सॉरी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, सेठ जी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप सब लोग। अरे यही कि 3-3 अलग म्यूजिक कंपनी वाले एक साथ कैसे हैं? भाई तरंग जी, बात ये है कि म्यूजिक का धंधा आजकल यूं ही मंदा चल रहा है, तो हमने सोचा कि सब मिलकर ही कुछ कमा लेंगे। आइए ऑफिस में चल के आराम से बात कर लेंगे। चलिए। हाँ जी, हाँ जी, चलिए आइए। अच्छा डॉक्टर साहब, हाय मैगी। हेलो सर। सरगम। ओ हाय तरंग, तुम हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज हुए? बस अभी अभी। सरगम कहाँ है? वो घर पर नहीं है, वो म्यूजिक सिटिंग पर गई है। ये सरगम भी ना? क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। 3-3 म्यूजिक कंपनीज ने मुझे साइन किया है। रियली? दैट्स ग्रेट। अब सच्चाई तो पता लगी जाती है याना। आज तक जो सपने मैंने देखे थे उनके पूरा होने का वक्त आ गया है। अब सरगम को किसी और के लिए गाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए गाएगी, अपने तरंग के लिए। और देखना, सरगम और तरंग की जोड़ी दुनिया में एक मिसाल बन जाएगी। वाटर सर। थैंक यू मैगी। मैगी जाओ मिठाई लेके आओ। तरंग, सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपनों की दुनिया में खो जाने से पहले एक बार हकीकत भी जान लेनी चाहिए। वो कहते ना, तुम प्यार को नहीं चुनते, प्यार तुम्हें चुनता है। क्या तुमने कभी सरगम से पूछा कि उसके मन में क्या है? क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? किसी और से प्यार करती है वो? वो नहीं, मैं बस यूं ही कह रही थी। कोई और है उसके मन में? नहीं तरंग, बस मेरे मन में ये बात आई कि तुम्हें उसके मन की बात पूछ लेनी चाहिए, बस। तुम अब बात बदल रही हो, बताओ ना। ऐसी कोई बात है तो मैं अपने आप ही रास्ते से हट जाऊंगा, बताओ ना। नहीं तरंग, तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो बस बेवकूफ बनाती है। नहीं, पागल लगता हूं मैं तुझे? नहीं साली कुतिया, बता सच्चाई क्या है, वरना ऊपर से नीचे तक चीर के रख दूंगा तुझे। बोल। सुअर की बच्ची सिर्फ प्यार को ही नहीं, मौत को भी तुम नहीं चुनते, मौत तुम्हें चुनती है। सपने तो मेरे साथ ही हैं और तुम कहती हो सपने नहीं देखने चाहिए। सरगम, सरगम मुझे बचा लो, इसको आगे बैक। तुमने क्यों मारा इसे? सारी कहती है कि सरगम से कभी पूछा है कि वो तुमसे प्यार करती है कि नहीं, ये भी कोई पूछ लेगी। तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? हाँ हाँ तरंग, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन तरंग? कोई कोई वाला कुछ भी कहे, तो तुम्हारे दिल में
ये ख्याल आया कैसे? सरकम, मेरे दिल में ऐसा कोई, ये तो हिस्ट्री और साइकेट्रिस्ट ने मिलकर, मुझे तो हमेशा से पता था कि मेरी सरकम मुझे बहुत प्यार करती है, बचपन से प्यार करती है। मैगी, कितना खून बहा है याना, तुमने मुझे खामखा गुस्सा दिला दिया। अब देखो, पुलिस पुलिस में कंप्लेन करके मुझे फिर से गुस्सा नहीं दिलाना। चलो मिठाई खा के फिर से दोस्ती कर लेते। लो, लो। सरगम, याना ने हॉस्पिटल में पुलिस को अपना बयान क्यों नहीं दिया? हाँ सरगम, ये बहुत बड़ा गुनाह है। पुलिस तरंग को सीधा अंदर कर देती। कितने दिनों के लिए? पूरी पूरी जिंदगी के लिए अंदर कर सकते हैं पुलिस उसे उस जुर्म के लिए? पता है आपको, याना को तो बेचारे को इतना बड़ा शौक लगा हुआ है कि और उसे क्या, मैं खुद नहीं सोच सकती थी कि बस एक पल में वो दो सालों के रिश्तों को बुला सकता है इस तरह। मैं मम्मी, मैं I can't believe it. ना बेटी, I just can't. ना बेटी, तू तुम सही थे राज, वो गांव से आया हुआ बोला बोला तरंग नहीं है, वो रंजीत है, रंजीत, सिर्फ रंजीत, इस मैंने है, इस मैंने है, ओह माय गॉड। कहाँ गई थी? वो राज से, राज से मिलने इस वक्त क्यों? वो तुम्हारा केस रीओपन करवाना चाहता है। वो तो मैं उससे समझाने गई थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करे। सरकम, तुम्हें कितनी फिक्र है मेरी, लेकिन आज के बाद मेरी खातिर भी तुम रात से नहीं मिलोगी। वो हराम खुर चाहता है तुम्हें, उसे तुम्हें, उसे कुछ मत करना। तुम, मेरा मतलब है, मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से तुम किसी तकलीफ में आ जाओ। जैसे ही जज साहिबा आती हैं मुझे फौरन फोन करना। ओके राज। जिंदगी में पहली बार सही रास्ता मिला है जिस पर चलकर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं। क्यों मेरे रास्ते की रुकावट बन रहे हो तुम? राज, प्लीज राज, मैं अब किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाहता। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, माफ कर दो मुझे। तुम तो इतने बड़े आदमी हो, थोड़ा दिल तो बड़ा रखो। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है यार, और फिर मैं कौन हूं तुम्हें माफ करने वाला? तुम कानून के गुनहगार हो। ये कानून वानून की बात बेकार है राज, मैं जानता हूं तुम किस वजह से मेरे पीछे पड़े हो। वो वजह सरकम है,
है ना राज? अच्छी तो बहुत लगती है मुझे, बहुत ज्यादा। राज वो अच्छी है तो अच्छी तो लगेगी, सारी दुनिया को अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सारी दुनिया की हो सकती है। वो मेरी है राज, तुम जानते हो, मैं उसे अपनी पत्नी मानता हूं, और किसी और की पत्नी की तरफ देखना गुनाह है, पाप है राज। अगर इतना प्यार करते हो, इतना चाहते हो उसे, तो तुम्हें उसकी फिक्र क्यों नहीं है? तुमने कभी सोचा है तुम्हारे जेल जाने के बाद उसका क्या होगा? इतनी बड़ी दुनिया में सरगम अकेली क्या करेगी? अगर तुम सचमुच उसे प्यार करते ना, तो तुम खुद उसका हाथ मेरे हाथ में देते और कहते कि प्लीज राज, प्लीज सरगम से शादी कर लो, क्योंकि मेरी मंजिल संगीत या सरगम नहीं, सलाखें हैं, जेल की सलाखें।